मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास सेवेंथ की मैथ्स के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट मैथ्स, और चैप्टर नेम जो है रैशनल नंबर, जो मैंने पिछला पढ़ाया था उसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, यानी कि जो रैशनल नंबर आपको दे रखे हैं उन रैशनल नंबर का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट। जहां पर भी प्रोडक्ट आ जाए वहां पर हम क्या की बात कर रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इस बात को बहुत सही तरीके से ध्यान रखना आप लोग कि जहां प्रोडक्ट आ जाए आपका, क्या आ जाए? प्रोडक्ट आ जाए, तो उसमें हम काय की बात कर रहे हैं? मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर वन है 4/24 into 15/8। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा पूरा। अरे बात समझ में? इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे उतार लेंगे एक बार। 4/24 into 15/8, हमको 4 से 2/8 को कट करना है। जब 4 into 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। अरे बात समझ में? और हमारा 15 से 24 कट हो नहीं सकता, तो ये ऐसे रहेगा। तो 1/24 into 15/2 हमारा आ रही बात समझ में? तो हम क्या करेंगे कि 15 से फिर 24 को कट करेंगे 3 से। 3 से जब कट करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 3 5 15 और 3 8 24। तो हमने इसको कट कर लिया, यहाँ पर आ गया आपका 1/8 into 5/2। ठीक, तो आप जब यहाँ पर 1/8 और इंटू 5/2 लेकर आ गए, तो इस 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे हम, तो 5 आ गया, और 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 16 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस वाले क्वेश्चन का फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा माइनस का 7/9। क्या दे रखा है? माइनस का 7/9 इंटू 81/49। अब बेटा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखो। अगर हम ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर आपस में कट रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट रहा है, तो आपस में उसको काट लेंगे, और अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही इसका रूल होता है। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले 7 यहाँ पर उतार लिया इसको नीचे, माइनस का 7/9 इंटू 81/49। आ रही बात समझ में? जब नीचे उतार लिया तो हमने सबसे पहले 7 से 49 को कट करा। काय को कट करा? 49 को। तो 7 1 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। तो 49 हमारा यहाँ पर आ गया 7 टाइम, और 9 को 81 से कट करा तो 9 9 81 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला माइनस का कोई वर्क नहीं रहेगा। क्यों वर्क नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ भी बने और यहाँ भी बने, तो माइनस खत्म हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर आना चाहिए 9/7। क्या आ गया? 9 यहाँ पर आ गया, अपॉन 7 यहाँ आ गया, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? क्या हो गया? आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इजीली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी मतलब ये बैठा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, यानी कि ये जो प्रोडक्ट उन्होंने दे रखा है, फॉलोइंग्स दे रखी है हमें, इसका हमें प्रोडक्ट का फाइंड करना है। समझ में आ रही बात? प्रोडक्ट करना है। अब किस तरीके से करेंगे हम वो देखो। सबसे पहले हमने क्या करना है के 1/20 into 7 और माइनस का 70/12 को नीचे उतार लेंगे। क्या कर लेंगे? नीचे उतार लेंगे। 1/20 into 7 आपका यहाँ पर आ गया, इंटू ये हो गया, और माइनस का 70/12 आपका यहाँ पर आ गया। 7 से 70 को कट करेंगे, कितना आ गया? 10, क्योंकि 7 10 70 होते हैं हमारे। समझ में आ रही बात? और 12 की 120 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि 1 12 into 10 कितने होते हैं हमारे? 120 होते हैं। तो आपका यहाँ पर बचेगा 10 into 10/1 into -10/1। आ रही बात समझ में? क्या आ गया? 10/1 into -10/1। ठीक, अब हमने क्या करना है कि 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 1 आ जाता है तो डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए यहां पर हमारा 2/1 है, तो हमारा इस वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आया है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में हाई लेवल की वैल्यू रखी हुई है। हाँ, अगर ऊपर 1/2 आ जाता है आपका, न्यूमरेटर में 1 आ जाता है, तो इस 1 की वैल्यू होगी हम पूरा लिखेंगे, और अगर 2/1 होगा तो हम उसको खाली 2 ही लिखेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसे ही यहाँ पर 10/1 आया है,
यहाँ पर भी 10 अपॉन 1 आया है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर 1 है हमारा, ये वाला 1 है, इस डिनोमिनेटर 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हमने 10 यहाँ पर उतार लिया, इंटू यहाँ उतार लिया, माइनस का 10 आपका यहाँ पर उतार लिया, 10 10 का कितने होते हैं 100, और माइनस का 100 आपका आंसर आ गया। ये हो गया हमारा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं हम, इसी का मैंने आपको फर्स्ट बताया था, सेकंड बताया था, थर्ड बताया था, अब फोर्थ की बात करेंगे। फोर दे रखा है माइनस का 36 अपॉन माइनस का 65 इनटू माइनस का 13 अपॉन 144। हमेशा एक बात याद रखो, माइनस का 1 दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, अगर न्यूमरेटर माइनस में है और डिनोमिनेटर माइनस में है तो हम आपस में कट कर लेंगे, यानी कि माइनस से माइनस को कैंसिल, वही चीज हमने यहाँ पर करी है। यहाँ माइनस दे रखा था तो ऊपर यहाँ वाले माइनस को हमने कट कर दिया, क्या कर दिया कट, तो आपका यहाँ पर आता है 36 अपॉन 65 इनटू माइनस का 13 अपॉन 144। क्लियर एवरीवन? इसमें हम क्या करेंगे, 13 का से 65 को कट करेंगे, 13 5 का 65, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 65, वो 5 आ गया आपका, आ रही बात समझ में, और 36 को 144 से कट करेंगे, 36 4 144, तो आपका यहाँ पर आ गया 4, तो यहाँ बचेगा आपका 1/4 इंटू माइनस का 1/4, आ रही बात समझ में, इस वाले 1 से इस वाले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 4 5 का 20, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया, आ रही बात समझ में, क्या आ गया 20, तो माइनस का 1/20। तो ये फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सेकंड बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया इसका मैंने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आ रही बात समझ में, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। हमने क्वेश्चंस पढ़ाया था आपको, अब इसके बाद इस रैशनल नंबर के एग्जांपल्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि एग्जांपल ऐसे होते हैं कि कोई भी इंट्रेंस लेवल होता है हमारा उसके हम सॉल्व क्वेश्चंस देखते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रेंस लेवल में ज्यादातर एग्जांपल्स रखे हुए होते हैं हमारे और हम उनको ज्यादा डीपली नहीं ले पाते, क्वेश्चंस को ज्यादा डीपली ले पाते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें एग्जांपल्स को भी अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात करेंगे, इसमें दे रखा है मल्टीप्लाई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रैशनल नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। 3/4 दे रखा है बाय 1/6, हमने क्या करना है 3/4 ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, और ये जो बाय है हमारा, इस बाय की जगह हम मल्टीपल मार्क लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे मल्टीपल मार्क, 1/6 हमारा यहाँ पर आ गया। अब 3 1 3, तो 3 हमारा यहाँ हो गया, 4 6 24, तो 24 हमारा यहाँ हो गया, 3/24 आंसर आ गया, ठीक है, 3 से जब कट करेंगे 3 1 3, तो 1 आपका यहाँ पर, और फिर 3 से 24 को कट करेंगे 8, तो 1/8 आंसर आपका यहाँ पर आ गया। एग्जांपल नंबर सेकंड की हम जब बात करेंगे तो वो भी मल्टीप्लाई है, क्यों, जाहिर सी बात है क्योंकि जब हम रैशनल नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई आएगा ही इसमें, माइनस का 5/7 बाय माइनस का 6/4, अरे बात समझ में, 6/4 क्या है, माइनस का 5/7 बाय माइनस का 6/4, हमने क्या करना है, माइनस का 5/7 ऐसे ही रहेगा और बाय की जगह इनटू लगा लेंगे, माइनस का 6/4 आपका यहां पर आ गया। अब 5 से 7 तो कैंसिल हो नहीं सकता, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में, हाँ इसका जो डिनोमिनेटर है 6/4 का वो कैंसिल हो सकता है, किससे, 2 से, 2 से जब कट करेंगे 2 4 2 2 2 यहां पर आ गया, फिर 2 से 6 को कट करेंगे 2 3 6, तो 3 यहां पर आ गया, तो माइनस का 5/7 हमने यहां ले लिया इनटू यहां पर आ गया, माइनस का 3/8 आपका यहां हो गया, 5 3 15 15 आपका यहां पर, 7 2 14 14 आपका यहां पर, आ रही बात समझ में, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, तो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 बता दिया, एग्जांपल नंबर 2 बता दिया, ठीक है, अब बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3 की, क्या है कि नाउ एग्जांपल नंबर 3 के बारे में मैंने बताया था आपको, अब बात करेंगे, इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं बेटा, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर दे रखा था तो हम उसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि इसमें जो है डिनोमिनेटर नहीं है, ना ही यहाँ पर है, आ रही बात समझ में, आपका क्या दे रखा है 7/21 बाय माइनस का 6 और माइनस का 19/36 बाय 16, आ रही बात समझ में, तो हमें क्या करना है, काफी स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि अगर डिनोमिनेटर नहीं दे रखा होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आ रही बात समझ में, तो हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो देखो, सबसे पहले 7/21 ऐसे लिख लेंगे इनटू यहां पर आ जाएगा, माइनस का 6 आपका यहां पर होगा, तो मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था या फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जहां पर न्यूमरेटर दे रखा हो, जी क्या दे रखा हो, न्यूमरेटर दे रखा हो, तो वहां पर हम खुद ही क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, खुद ही 1 मान लेंगे, आ रही बात समझ में,
तो हमने क्या करना है, माइनस का वो 7 अपॉन 21 इनटू माइनस का 6 अपॉन 1 कर लिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है, 7 से इसको कट करेंगे तो आपका यहां पर आ जाएगा 7 1 का 7 और 7 3 का 21 इनटू यहां माइनस का 6 अपॉन 1 आपका यहां आ गया, ठीक है। माइनस का 6 अपॉन 3 ऐसे ही हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 की जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 और 3 की जब 1 से करोगे तो 3, 3 से 6 को कट करोगे तो माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, ये भी ऐसे ही है, समझ में आ रही बात, इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं दे रखा लेकिन हमें खुद डिनोमिनेटर लगाना होगा, समझ में आ रही बात। अगर कहीं पर भी आपको इस लेवल के क्वेश्चन दिखाई दे तो आप बहुत अच्छी तरीके से खुद सॉल्व कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। माइनस का 19 अपॉन 36 इनटू 16 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर लगाएंगे तो यहां आ जाएगा आपका 16 अपॉन 1, ठीक है। माइनस का ये 36 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 ऐसे हो जाएगा, तो माइनस का 19 इनटू 16 आपका यहां आ गया। 19 से जब 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 304 अपॉन 26 आ गया। तो ये आपके एग्जांपल सॉल्व हो गए, रैशनल नंबर हो गया आपका। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आके शेयर करें, प्रॉब्लम्स को हमारी अपनी बताएं। स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन।